आज जो इस किताब के हवाले से बात करेंगे वो भी एक बड़े मुनफरिद टॉपिक पे है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ। मोहम्मद अली जिना, दौलत, जायदाद और वसीयत, जमहूरी पब्लिकेशन ने इसको शाया किया है। और ये कायदे आजम की दौलत, जायदाद और वसीयत को यकजा करने वाली शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली किताब है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में किसी किताब में कायदे आजम के किसी मकान, बंगले वगैरह का जिक्र नहीं था, लेकिन कुलियतन यानी टोटैलिटी, इन टोटैलिटी जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, कायदे आजम की एक फाइनेंशियल पिक्चर, कायदे आजम के जराए आमदन क्या थे, कायदे आजम के बैंक अकाउंट्स कितने थे, उन बैंक अकाउंट्स में बैलेंस कितना था, कायदे आजम के कितने बंगले थे, कितने प्लॉट थे, कितने मकान थे, कब खरीदे, क्यों बेचे, और फिर उस जायदाद का बना क्या, ये सारे सवालात इस किताब में टैकल किए जाते हैं। यानी सबसे पहले तो ये किताब इस बात से शुरू होती है कि ये समझना कि कायदे आजम की अकलौती आमनी वकालत थी वो शायद दुरुस्त ना हो। वकालत की आमनी, अगरचे कायदे आजम जो टॉप लॉयर में शामिल थे और टॉप के चार पांच जो महंगे तरीन वकला थे जिनमें एक यौम की यानी यौमिया फीस जिनकी 1,500 यानी 1,500 रुपये तक 1926-27 में पहुंच चुकी थी, उसके बावजूद ये कायदे आजम की आमदन का तीसरा सबसे बड़ा जरिया था। सबसे बड़ा क्या था? स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स, हिस्सेस में सरमायाकारी। ये एक ऐसा आंसर है जो शायद पाकिस्तान में ज्यादा उजागर नहीं किया गया कायदे आजम के हवाले से। ये कायदे आजम स्टॉक एक्सचेंज में शेयर रखते थे, शायद उन्होंने सिंप्लेक्स मिल्स, एक कॉटन मिल थी, 1912 में उसके हिस्सेस लिए तकरीबन को 1,25,000 रुपए के। उस वक्त 1,25,000 रुपए जब 10 रुपए तोला सोना हुआ करता था, आजकल 1,18,000 रुपए तोला सोना है। तो आप सोच लीजिए कि ये तकरीबन शायद कोई 10 करोड़ 12 करोड़ से ज्यादा के बनते होंगे। तो कायदे आजम उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनका नाम तीसरे नंबर पे आता है, यानी कायदे आजम सिंप्लेक्स मिल के तीसरे सबसे बड़े हिस्सादार बन गए। उसके बाद फिर उनकी शराकत दारी मुख्तलिफ कंपनियों में, जैसे बॉम्बे इलेक्ट्रिक कंपनी, बंगाल चाय मिल्स, टाटा स्टील इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, इन सारी जो कंपनियां थी उसमें रही। और कायदे आजम का नाम जो है वो 1926-27 के बाद से बैंक ऑफ इंडिया, जैसे हमारा स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है आजकल, तो उस तरह जो सेंट्रल बैंक था ब्रिटिश इंडिया का, उसमें वो एक सालाना लिस्ट इशू करता था टॉप सरमायाकारों की। तो कायदे आजम का नाम पहले 10 सरमायाकारों में उस सालाना लिस्ट में आया करता था। एक और चीज़ जिसका कायदे आजम को बहुत शौक था वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट थी। यानी कि कायदे आजम को बहुत शौक था कि वो जायदाद में सरमायाकारी करें, और कहीं पे अगर उन्हें कोई मुनासिब कीमत पे प्लॉट मिल जाता था या मकान मिल जाता था तो वो बहुत दफ़ा उसे इन्वेस्टमेंट के घर से खरीद लेते थे कि मैं फिलहाल जो है इसको खरीद लेता हूँ और 5 साल 10 साल बाद इसको बेच दूंगा, या अगर मकान हो बना हुआ मकान, क्योंकि कायदे आजम ने खाली प्लॉट भी काफी खरीदे थे, तो उसको वो फिर किराए पे दे देते थे, तो किराए की आमदन भी आती रहती थी। और बाद में जब कायदे आजम ने अपने 2 मकान बेचे तो उससे उनको खातिर खा आमदनी भी हुई। कायदे आजम ने पूरी जिंदगी में 6 मकान खरीदे या बनवाए, जिनमें से 2 बॉम्बे में थे, एक माउंट प्लेजेंट रोड वाला जिसका नाम, उस बंगले का नाम साउथ कोर्ट था, क्यों था वगैरह ये सारी तफसीलात इस किताब में हैं। और एक उन्होंने जो सबसे पहला अपनी जिंदगी का मकान लिया था लिटिल गिब्स रोड पे, वो भी बॉम्बे में। तो ये 2 मकान बॉम्बे में थे। साउथ कोर्ट आज भी मौजूद है, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान इसके ऊपर बड़ा शदीद तनाज़ चल रहा है सफारती। लिटिल गिब्स रोड वाला मकान खत्म हो गया है, कायदे आजम ने 1943 में बेच दिया था। सारी फरोख्त की तफसीलात, कीमत वगैरह इधर दर्ज है, और नए मालिक ने बाद में फिर उसे जमीन बोज करके तो वहां पे फ्लैट्स का जो ये स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था। तो एक मकान कायदे आजम का लाहौर में है, माल रोड एक्सटेंशन जिसको आजकल अजीज भट्टी रोड कहते हैं, जो आजकल मौजूदा कोर कमांडर हाउस है। एक मकान कायदे आजम का कराची में है, और कराची वाला मकान जो है कायदे आजम का, वो आजकल कायदे आजम हाउस म्यूजियम है। ये तकरीबन आबारी होटल के सामने बनता है। और इसी तरह कायदे आजम का एक मकान हैम्पस्टेड हीथ लंदन में था, जो अब खत्म हो चुका है। लाहौर, कराची और बॉम्बे के 2 में से 1 कायम है। और एक मकान कायदे आजम का दिल्ली में था, 10 औरंगजेब रोड, जो के डच एम्बेसिडर वलंदेजी सफीर जो है उसकी रिहाइश का है आज भी भारत में, और वो कायम है।
तो चार मकानात यूं कायम हैं और एक और एक यानी लिटिल गिब्स रोड वाला बॉम्बे के दो में से एक और एक लंदन हैम्पस्टेड हीथ वाला मौजूद नहीं है। कायद अजम ने 8 फ्लैट्स भी खरीदे थे। तो कायद अजम के दो कमर्शियल प्लाजे भी थे, दोनों मैकलोड रोड कराची पे थे जिसको आजकल आई आई चुंदरीगढ़ रोड कहा जाता है। इनमें से एक में स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है उसका पाकिस्तान हेड ऑफिस कायम है आई आई चंद्रीगढ़ रोड पे, और दूसरे में मोहम्मदी शिपिंग कंपनी का जो दफ्तर होता था जो बाद में पीएनएससी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में मर्ज हो गई थी, तो वो मोहम्मदी प्लाजा भी आज भी आई आई चंद्रीगढ़ रोड कराची पे कायम है। कायद अजम की कुछ जरूरी जमीन भी थी। कायद अजम का साहिल पे एक हट भी था कराची के साहिल पे के माड़ी के इलाके में बुलेजी नामी गाँव में, वो अब मौजूद नहीं है कायद अजम का हट। कुछ जरूरी जमीन थी इछरा मौजा इछरा इछरा के इलाके में लाहौर में, जो इछरा एक लिहाज से लाहौर का मुदाफाती गांव था, अब तो खैर शहर का तकरीबन सेंटर बन चुका है क्योंकि लाहौर शहर पिछले 70 साल में इतना फैल चुका है। तो वो कायद अजम के जो प्लॉट थे वो लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जिसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी आजकल कहा जाता है उसने एक्वायर कर लिए थे कायद अजम के इंतकाल के बाद, और उसके कॉम्पनसेशन में चार प्लॉट, चार रिहायशी प्लॉट गुलबर्ग 2 और गुलबर्ग 3 में फातिमा जिना को दे दिए गए थे। और ये तमाम जो चीजें हैं यानी ये जो मकानों में और जरूरी जमीन में और कमर्शियल प्लाजों में इन्वेस्टमेंट, तो ये कायद अजम का एक, और फिर उनसे आने वाले किराए जो कमर्शियल प्लाजे किराए पे दिए गए और दुकानों को या बैंक को या एक सूरत में एक गोदाम को, तो इससे कायद अजम की आमदनी होती थी। और जो इसमें खूबसूरत पहलू उजागर होते हैं दो इस किताब के जरिए, एक के कायद अजम टैक्स की अदायगी में बहुत पाबंद थे, इन तमाम मामलात पे इन तमाम आमनियों पे हर खरीदो फरोख्त पे कायद अजम टैक्स बाजाबतगी से अदा करते थे, और कायद अजम की बहुत ज्यादा टैक्स डिटेल इस किताब में दी गई। और दूसरा एक और अहम अंसर ऑडिट का, कि कायद अजम जो थे वो तमाम फंड्स का इंटरनल ऑडिट भी करते थे और फिर एक किसी बैरूनी फर्म से एक्सटर्नल ऑडिट भी करवाया करते थे ताकि एक एक पैसे का रुपए का हिसाब किताब रहे। इसमें कायद अजम की खरीदो फरोख्त की आदात को भी इस किताब में बड़ा डिस्कस किया गया कि इतने अमीर होने के बावजूद कायद अजम जो थे वो कफायतशियार थे, पैसों का ज़िया नहीं करते थे, नमूदो नुमाइश पसंद नहीं करते थे। जब गवर्नर जनरल पाकिस्तान भी बन गए तो गवर्नर जनरल हाउस जो आजकल गवर्नर सिंध हाउस है कराची में, उसकी फाजिल बत्तियां खुद बुझाया करते थे ताकि बिजली का बिल ज़्यादा ना आए। तो ये वो अनासर हैं जिनको इन किताब में, जिनका इहाता किया गया है, जिनकी तफसील बयान की गई है, और मैं ये समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानी के लिए आजकल जहाँ पे टैक्स नादहिंदगी का कल्चर बढ़ रहा है और आजकल जहाँ पे जिस चीज़ का भी ऑडिट होता है तो वहाँ पे अखबारी खबर बना दी जाती है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो वो मशाल राह है कायद अजम का जो पर्सनल कॉन्डक्ट है अपनी माली जिंदगी की हैसियत से अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। की इमारत का अंदाजा उनकी गाड़ियों से भी लगाया जा सकता था। कायद अजम के पास दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स की गाड़ियां थी जिनमें शेवरलेट, कैडलक, सनबीम, ग्राहम पेज जो उस जमाने के महंगे तरीन गाड़ियों के ब्रांड्स थे, उस तरह की कीमती गाड़ियां कायद अजम की मलकियत में थी। कायद अजम के कुल जिंदगी में मिला के कोई 12 बैंक अकाउंट्स हुए। जब इंडिया और पाकिस्तान मुत्तहिद थे तो जो चार बड़े बैंक थे इंडिया के, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया और हबीब बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों में कायद अजम के खाते मौजूद थे जिससे कायद अजम की तमाम लेन देन के मामला, ट्रांजेक्शन, जो मकान खरीदे गए उनके लिए पेमेंट वगैरह के लिए चेक बनने, पे ऑर्डर बनने, वो सारे वहाँ से हुआ करते थे। जो नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की जो पाकिस्तान में जितनी ब्रांचें थी और हबीब बैंक ऑफ इंडिया की जो पाकिस्तान में थी वो बाद में हबीब बैंक लिमिटेड HBL पाकिस्तान का बन गया और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बन गया। कायद अजम की बतौर गवर्नर जनरल तनख्वाह, क्योंकि बड़ा मशहूर है कि कायद अजम अलामती तनख्वाह 1 रुपया लेते थे जो कि दुरुस्त नहीं है। कायद अजम की तनख्वाह गवर्नर जनरल के तौर पे 10,418 रुपये के लगभग थी, और उस जमाने में गालबन 3,000 से ऊपर जो भी आमदनी होती थी उसके ऊपर तकरीबन 65% का 100% टैक्स लगा करता था। तो कायद अजम की तनख्वाह भी लगता था और कट कटा के कायद अजम को सिर्फ 4,334 रुपये मिलते थे। जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि कायद अजम की वकालत से यौमिया आमदनी 1,500 रुपये थी,
हर रोज की, तो ये कायद अजम की 3 दिन की आमदनी भी नहीं बनती थी जो कायद अजम को कट कटा के गवर्नर जनरल की तनख्वाह मिला करती थी। ये और बात है कि कायद अजम ने ये तनख्वाह कभी भी अपनी ज़िंदगी में विड्रॉ नहीं कराई थी, और जब कायद अजम का इंतकाल हो गया तो ये पेमेंट जो है उनके हर महीने की जो तनख्वाह सुपर टैक्स कट के बाकी बचती थी और उनके अकाउंट में आती थी, तो वो उनके अकाउंट में जमा होती रही और वो बाद में फातिमा जिना जो उनकी मशीरा थी उनको अदा कर दी गई। कायदे आज़म की गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स, तनख्वाह के अलावा एक और अहम चीज़ जिस पे ये किताब रोशनी डालती है वो कायदे आज़म की वसीयत है। ये बात तो बहुत लोग जानते हैं कि कायदे आज़म ने 3 अहम तालीमी इदारों को अपनी जायदाद में से एक बड़ा हिस्सा वसीयत किया था। सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची, इस्लामिया कॉलेज पिशावर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। हकीकत यह है कि कायदे आज़म ने 3 नहीं 6 तालीमी इदारों को अपना जायदाद में से हिस्सा मुकर्रर किया था, क्योंकि कुछ रकम तो उन्होंने अपने अहले खाना के लिए रख दी थी। उनके ख़ानदान में जो 5 ख़वातीन थीं जो उनकी वारिस बनी, उनकी 4 बहनें और अकलौती बेटी, उनके लिए उन्होंने लाइफ लॉन्ग पूरी पूरी ज़िंदगी के लिए ता हयात के लिए हर एक के लिए एक मखसूस अमाउंट रखा कि फातिमा जिना को मिसाल के तौर पे माहाना 1,000 रुपया मिलना था जब तक वो हयात थी, और इसी तरह जो उनकी बेटी दीना जिना है उनके लिए भी लाखों रुपए रखे गए, और इसी तरह बाकी 3 बहनों के लिए भी माहाना हिस्सा मुतय्यन किया गया। इसके बाद कायदे आज़म ने 3 तालीमी इदारे, अरबिक कॉलेज दिल्ली, अंजुमन इस्लाम स्कूल बम्बई और जामिया बम्बई यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के लिए बिल तरतीब 25,000, 25,000 और 50,000 रुपये मुतय्यन किए। इसके बाद जो जितनी भी प्रॉपर्टी बच जानी थी फैमिली की हिस्से के बाद, और ये जो 1 लाख रुपए इन 3 इदारों को मिलने थे, 25,000, 25,000 और 50,000, तो उसके बाद जितनी भी जायदाद बचनी थी जिसको हम रेजिडरी प्रॉपर्टी कहते हैं, वो 3 तालीमी इदारों में बराबर तकसीम होनी थी। लिहाजा ये 3ों तालीमी इदारे जिनका मैंने पहले जिक्र किया, इस्लामिया कॉलेज पेशावर, सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ये 3ों जायदाद के सबसे बड़े बेनिफिशरीज होने थे। ये बात तो तमाम किताबों में लिखी जाती है कि कायदे आज़म ने अपनी वसीयत में इन इदारों के नाम ये पैसे किए। ये बात शायद मेरी किताब में पहली दफ़ा आ रही है कि इन में से किस किस इदारे को कोई पैसे मिले या मिले भी कि नहीं मिले। तो जब तहकीक की गई इस किताब के लिए तो उसमें पता ये चला कि इस्लामिया कॉलेज को तो खैर पैसे तकरीबन मिल गए, जो उस वक्त तयन हुआ था कि कायदे आज़म की जायदाद में से 1,08,611 रुपये इन 3ों इदारों के हिस्से में बनते थे। तो इस्लामिया कॉलेज क्योंकि पिशावर यूनिवर्सिटी का अटैच कॉलेज था तो कुछ पैसे इस्लामिया कॉलेज पिशावर को मिल गए और बाकी पैसे पिशावर यूनिवर्सिटी को, जामिया पिशावर को दे दिए गए। तो जिसकी वजह से 2ों इदारों में एक तनाज़ा रहा, क्योंकि इस्लामिया कॉलेज का ख्याल था कि ये पैसे उस कॉलेज के हैं, इन इस्लामिया कॉलेज के, ना के पूरी पिशावर यूनिवर्सिटी के। बहरहाल चंद साल पहले इस्लामिया कॉलेज अपग्रेड होके इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी पिशावर बन गया, तो ये मामला अभी भी जामिया पिशावर और जामिया इस्लामिया कॉलेज पिशावर के दरमियान हाल चला रहा है। लेकिन बहरहाल ये वो पैसे थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता 1,08,00,000 से जायद पिशावर में ट्रांसफ़र हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उसका हिस्सा नहीं मिला। मुख्तलिफ वजूहत थी जिसमें पाक भारत जंग और उसके वजह से पाकिस्तान और भारत के जो तनाज़ात हो गए, तो उसके लिए उसकी वजह से कायदे आज़म की तरफ से अतिया किया गया रकम किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो मुसलमानों की क्यों ना हो, वसूल करना इतना आसान ना रहा। अगरचे ये बात ये तयशुदा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पूरी कोशिश की थी कि उन्हें ये पैसे मिल जाएं, लेकिन हालात की वजह से उन्हें ना मिल सके। सबसे ज़्यादा जो अजीब मैं कहूँगा किस्सा है वो सिंध मदरसातुल इस्लाम का है, जो स्कूल था बाद में कॉलेज बना और अब सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कराची के तौर पे कायम है, SMU कराची, के इसके बारे में जो जिना ट्रस्ट है जो कायदे आज़म के पूरी जायदाद को विरासत को तकसीम करने की जिम्मेदार थी, वो तो ये कहती है कि जी हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। लेकिन सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट और उनकी जो अपनी पब्लिकेशन है वो कहती हैं कि हमें इस रकम में से सिर्फ 6.5% मिला और बाकी रकम हमें नहीं मिली।
और वो जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को शायद गई होगी, और हो सकता है कि उसमें कुछ लोगों ने ज़ाती हैसियत में वो पैसे रख लिए हों और यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र ना किया हो। लेकिन ये मामला हर लिहाज से मज़ीद तहकीक तलब है, क्योंकि ये हमारे बानिए पाकिस्तान की जायदाद थी, उनकी विरासत थी, तालीमी इदारों को जानी थी। तो इस पैसे का क्या बना, ये मामला मज़ीद हल तलब है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सवाए एक इदारे के, इस्लामिया कॉलेज और पेशावर यूनिवर्सिटी, जो पैसे मुकम्मल तौर पर मिल गए, बाकी तमाम इदारों को पैसे मिले या नहीं मिले, ये बात मज़ीद तहकीक की मतकाजी है। इस किताब में मैंने फिर कुछ जमीमा जात शामिल किए हैं, यानी कायद अजम के जो 6 मकान थे जिनका शुरू में जिक्र हुआ, जो 8 फ्लैट्स थे जिनका जिक्र हुआ, जो 2 कमर्शियल प्लाजे थे, जो ज़रई ज़मीन थी, जो कोस्टल हट था साहिल पे, के माड़ी पे कायद अजम का एक हट था, इन तमाम के अलावा कायद अजम के कुछ मकानात वैसे तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में ये साबित नहीं हो सका कि क्या वो कायद अजम के थे भी गए। इस किताब में चंद ऐसी प्रॉपर्टीज़ का, जायदादों का तस्करा किया गया है कि ये वो जायदादें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कायद अजम ने ये शायद कभी खरीदी हो, लेकिन हतमी शवाहिद नहीं मिले। लेकिन ये जो तमाम जायदाद जिसका मैंने जिक्र किया, जो कायद अजम की मुसल्लमा तौर पे थी, इसके अलावा भी इस किताब में ऐसी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है, ऐसी इमारात का जिक्र है जिसका कायद अजम से एक नस्बत थी, कायद अजम से कोई ना कोई ताल्लुक बनता था। मिसाल के तौर पे कायद अजम और बेगम मरियम जिन्हा ने, लॉर्ड वेलिंगटन एक ज़माने में बम्बई के गवर्नर होते थे, बाद में बरेसगीर के वाइसराय भी बने, उनके खिलाफ मुजाहरों की क्यादत की और मुजाहरों में कामयाबी के एतराफ़ में अहलियाने बम्बई ने 1 रुपया फ़ंड कायम किया और 65,000 रुपये जमा हुए, जिससे पीपल्स जिना हॉल बनाया गया। वो हॉल जो है आज भी कायम है बम्बई में, और समाजी सरगर्मियों के लिए काम आता है, उसको किराए पे लिया जाता है, उसमें कोई एक्टिविटी की जाती है, और वो जो किराए की मद में जो भी पैसे हैं वो गरीबों की बहबूद के लिए और गरीब तलबा की तालीम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो एक बहुत अहम असासा है बरेसगीर पाक व हिंद में कायद अजम और बेगम जिना से मंसूब। पी जे हॉल, पीपल्स जिना हॉल, मुंबई ग्रांड रोड के करीब ये बम्बई में कायम है। फिर कायद अजम की से नस्बत रखने वाली कुछ और इमारात भी हैं, मिसाल के तौर पे वजीर मेंशन, एक छोटा सा बंगला है बरकाती स्ट्रीट पे कराची में, खारा दर में, जहाँ पे कहा जाता है कि कायद अजम पैदा हुए। तो वो कायद अजम के वालिद के एक ज़माने में मलकियत था, उसी ज़माने में पहले किराए पे था जैसे कायद अजम पैदा हुए, बाद में कायद अजम के वालिद जिना पूंजा ने ख़रीद लिया, बाद में जिना पूंजा का बिजनेस तबाह हो गया, वो दिवालिया हुए, तो ये मकान उन्हें बेचना पड़ गया। तो मुख्तलिफ हाथों से होता हुआ, ये एक साहब थे गोवर्धन दास, कराची के मकामी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले साहब थे, उनकी मलकियत में आया। और जब 1947 में पाकिस्तान और भारत में तकसीम हुई, तो गोवर्धन दास ने इंडिया जाने का फैसला किया, और वो पूना वाला, पूना एक शहर है इंडिया में, तो उधर से एक शहर साहब थे पूना वाला, वजीर अली पूना वाला, तो उनको बेच के चले गए, तो उनके नाम से ये बंगला वजीर मेंशन कहलाया। तो वजीर मेंशन इसका नाम पाकिस्तान बनने के बाद बना, बाद पड़ा, ना कि जिस वक्त कायद अजम पैदा हुए थे तो उसकी तफसील के ये बंगला कब बना, किसने बनाया, कैसा हुआ, तो वो इस किताब में आपको वजीर मेंशन की तफसील भी मिल जाएगी। एक और बंगला जिससे कायद अजम की काफ़ी वाबस्तगी रही, वो गवर्नर जनरल हाउस था, जो आजकल गवर्नर सिंध हाउस है, जब कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था तो गवर्नर जनरल हाउस था, और कायद अजम बतौर गवर्नर जनरल वहाँ पे उन्होंने क्याम फरमाया, और कायद अजम की का इंतकाल भी, उनकी डेथ भी इसी बंगले में, गवर्नर हाउस सिंध में हुई। जब ज्यारत में बीमारी की हालत में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तो उनको 11 सितंबर 1948 को वापस कराची लाया गया। इससे बात चल निकली ज्यारत रेजिडेंसी की, कि ज्यारत रेजिडेंसी अंग्रेज़ों ने क्यों बनाई, कब बनाई, और कायद अजम उधर कितना अर्सा स्टे किया, तो ये सारी तफसीलात भी ज्यारत रेजिडेंसी बतौर बिल्डिंग, उसकी तारीख भी आपको इसी किताब में मिल जाएगी। और एक और अहम इमारत मज़ार-ए कायद है, जिसकी कायद अजम से नस्बत है, क्योंकि वो कायद अजम मोहम्मद अली जिना की अब भी आरामगाह है। ये कब बनना शुरू हुई, किसने इसका डिज़ाइन बनाया, कितने डिज़ाइन आए और वो किसको पसंद नहीं आए, तो इसकी वजह से उनको रद्द किया जाता रहा। फिर 1960 में इसकी तामीर शुरू हुई, फिर जब
1965 के सदारती इंतखाबात में अयूब खान साहब और मोहतरमा फातिमा जिना के दरमियान सदारती इंतखाब हुआ तो अयूब खान साहब ने नाराज़ होकर मजार कायद की फंडिंग कम कर दी और फिर वो काम बहुत स्लो बहुत सुस्त रवि का शिकार हो गया। और फिर याहिया खान साहब के दौर में मजार कायद मुकम्मल हुआ और आवाम के लिए खोल दिया गया और अब वो कराची के लिए एक आइकॉनिक बिल्डिंग की हैसियत रखता है। और मजार कायद शायद पाकिस्तान की वो वाहिद बिल्डिंग है जो पब्लिक फंड से तामीर हुई जिसमें सोना चांदी और संगे मरमर तीनों इस्तेमाल हुआ। मजार कायद में 8.5 किलो तकरीबन सोना, 18,000 तोले चांदी और 21,200 मुकाब फुट संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है। तो इन सारी चीज़ों की तफसीलात के साथ ये किताब आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगी और यही मेरा मकसद था कि ये किताब जो है कायद आजम से वाबस्ता तमाम इमारात और तमाम बिल्डिंग्स के बारे में जितनी भी तारीख जमा हो सकती है उसको एक जगह यकजा कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।